अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो अपना ब्लॉग रहेगा वो रहेगा अम्मी के बैग के पैकिंग से रिलेटेड। अम्मी का जो बैग पैक होने वाला है उससे रिलेटेड रहेगा। कल के ब्लॉग में आपने देखा कि मेरा और अब्बू का जो है एक बैग के अंदर सामान पैक हो गया, और एक बैग हमने जो है बनाया उसके अंदर जो हमने सारे बिस्तर वगैरह जो है भर दिए। और अभी जो तीसरा बैग बनेगा उसमें अम्मी ने जो है सफ़र के लिए अपना जो भी सामान लिया है, स्वेटर कपड़े वगैरह और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारे सामान का जो है आज ब्लॉग बनेगा। तो आज अभी जो बैग पैक होने वाला है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये है, तो देखिए गाइस ये है सारा अम्मी का सामान, पूरा रेडी हो गया है अम्मी का बैग पैक होने के लिए। अम्मी ने ये एक ड्रेस लिया है, वाइट कलर का है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ड्रेस है। ये वाला उस्मान भाई ने अम्मी को दिलाए थे, ये ड्रेस ये देखो बहुत ही प्यारा ड्रेस है। उसके अलावा एक ये रेड वाला बांधनी का ड्रेस है, ये वाला अम्मी ने वैशाली मार्केट से लिए थे। ये कहाँ से लिए थे? ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे ना? हाँ, ये वाला बांधनी का भी ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, ये भी उसी के साथ का ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ। ये वाला जो ड्रेस है ये अम्मी ने जो है बनाए हैं, पूरा कस्टमाइज़ किए हैं अपने हिसाब से, सब चीज़ें इसकी अलग अलग ख़रीद कर। ये देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारा ड्रेस है। ये देखिए ये इसका बॉटम है, ये इसका दुपट्टा है और ये टॉप है। ये लेस अलग से ला के दोनों भी जो है, ये हम लोग ने टाउन से लेस लिए थे, बहुत खूबसूरत और अच्छी लेस मिली थी। और ये नाइटीज़ है, ये मम्मी ने खुद घर में स्टिच किए, तीनों भी मैक्सी जो है मम्मी ने घर में स्टिच किए थे। और ये हमारे हीरोइन मम्मी का गॉगल्स, और ये सारी नाइटियाँ जो है मम्मी ने होजरी की जो है और कॉटन की सारी घर में स्टिच किए। ये जो है मैंने मम्मी के लिए टोपी लेकर आया था, मम्मी कपड़ों के दुपट्टे के अंदर से जो है टोपी पहनते हैं, कॉटन की टोपी है जिसको पहनते हैं। तो ये प्लेन थी, अच्छी नहीं लग रही थी मम्मी को, तो खुद मम्मी ने जो है इसके ऊपर डायमंड लगाए अपने हाथ से, तो ये बहुत प्यारी लग रही है अभी। ये ड्रेस के ऊपर ये टोपी हो गई, ये ड्रेस के ऊपर, बाकी के ड्रेस के ऊपर भी जो है वाइट टोपी जो है चल जाएंगी। और ये मम्मी का स्वेटर है, ये हम लोग ने दिल्ली से लिया था। हम लोग जब लास्ट टाइम दिल्ली घूमने गए थे तो वहाँ पर ये मम्मी को एक नज़र में बहुत पसंद आया था। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा स्वेटर है, ए लाइन फ्रॉक टाइप में डिज़ाइन है इसकी, और बहुत ही बेहतरीन मटेरियल में और एकदम नरम और गर्म मटेरियल में है। और उसके अलावा ये एक न्यू बुरका है, ये मम्मी ने लेकर आए थे, कहाँ से लेकर आए थे ये वाला बुरका? हैदराबाद से ये बुरका लेकर आए थे, जब हैदराबाद गए थे घूमने के लिए, चार मीनार के पास से हैदराबाद से ये बुरका लेकर आए थे। और एक ये स्काफ है नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, सफ़र में जो है ज़रूरी होता है, होटल वगैरह में रुकेंगे तो वहाँ पर नमाज के लिए। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें अभी जो है मम्मी अपने बैग में पैक करेंगे, और सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है। ये एक चीज़ कल मैं आपको बताना रह गया था, बिकॉज़ ये टेलर के पास से सिल कर नहीं आया था, ये मेरी वॉच हो गई। और ये देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त शानदार जानदार जैकेट मेरा, ये जब मैं ताजमहल पर जाऊंगा आगरा में तो वहाँ पर पहनने के लिए है। ये जैकेट है और उसके ऊपर बेसिक कुर्ता पायजामा है, ये प्लेन वाला, इसके अंदर मैंने अपनी मर्ज़ी से पैटर्न डलवाया था। ये कॉलर के अंदर साइड और कॉलर के अंदर की जो बटन पट्टी होती है उसके अंदर जो है इसी जैकेट के कपड़े का मैंने पैटर्न डलाया हूँ। अगर मैं कभी प्लेन पहनना चाहता हूँ कुर्ता पायजामा तो सादा भी पहन सकता हूँ, उसके अलावा जो है जैकेट के साथ में भी पहनने के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरा जो है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जैकेट हो गया। मेरे पास ऐसे तो जो है 6 जैकेट है अलग अलग डिज़ाइन में, बट ये वाला जो है सबसे बेहतरीन है। और सेकेंड नंबर पर जो मैंने अपनी शादी में पहना था ग्रीन कलर का वो। और ये हो गए इसके ऊपर, ये सूट के ऊपर जूते, ये बहुत ही पहले मैंने जूते लिए थे, ये इसके ऊपर बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो ये था तकरीबन आज का व्लॉग मम्मी के ड्रेस पैकिंग का और सूटकेस पैकिंग का, जो अभी टोटल रेडी हो चुका है। और अभी ये जो है मम्मी इसके अंदर पैकिंग कर रहे हैं, पूरे ड्रेस को भर रहे हैं। ये होने के बाद में इंशाल्लाह जो है हम लोग सुबह में 9 बजे जो है घर से तकरीबन निकल जाएंगे इंशाल्लाह। सारी तैयारियां हो गई हैं, रात के 2:45 बज गए हैं और अभी तक के हम लोग की थोड़ी बहुत पैकिंग चालू है। 95% क्या 98% पैकिंग पूरी हो गई है। एक लास्ट बैग जो अम्मी का बाकी था अभी वो पैक हो रहा है, और इसके बाद में अभी ये होते ही रेडी हम लोग सो जाएंगे। सुबह में जो है 12 बजे की फ़्लाइट है, 12:10 की, तो घर से हम लोग सुबह में 9 बजे इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो आप लोग सभी से जो है दुआ की दरख्वास्त है, आप लोग सब दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमारा सफ़र आसान करे और जो है हम लोग आफियत के साथ जाए घूमने के लिए और आफियत के साथ वापस आए। अभी हम लोग जो है तैयार हो चुके हैं और निकलने वाले हैं, बस 12 बजे की जो है फ्लाइट है हमारी कश्मीर की, और अभी हो रहे हैं तकरीबन 9:30। तो इसके लिए हम लोग अभी घर से निकल रहे हैं, फिर हम लोग मिलते हैं एयरपोर्ट पे और गाड़ी में बैठकर।
अबू के मत ले तू चल। तो ये था हमारा आज का व्लॉग और अभी हम लोग जो है फ्लाइट के अंदर आ गए हैं। अभी आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर। इसी तरह मैं इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं, अस्सलामुअलैकुम।